नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कुछ ऐसे बैंक, मैं तो यहाँ पे चार बैंकों की बात करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बैंक मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपको बैंक का सिलेक्शन करना है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर रिसेशन में, जिस तरीके से मार्केट डाउन हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट में देखिएगा अभी बिकवाली आपको देखने को मिल रही है, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। लाइक आपका जो बैंक सिलेक्शन है वो बेस्ट होना चाहिए और तभी वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगा। और इन पर्टिकुलर चीज़ों में होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर लॉन्ग में हम कुछ भी ले लेंगे तो वो पैसा बना के दे देगा। ये गलत सोच होती है जो इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे और मैं प्रोसीजर को भी आपको बताऊंगा कैसे फॉलो करना है, कहां पे जाना है, किस वेबसाइट से आपको फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा होता क्या है कि यहां पे FSR जो रिपोर्ट है RBI की वो क्या कह रही है, आ चुकी है। FSR रिपोर्ट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो उसमें देखिएगा लिख के क्या आया है कि ये जो पिकअप मिला है आपको कोविड के बाद, जो इकॉनमी को पिकअप मिला है, वो पिकअप आया है लार्ज बोरोवर, यानी कि जो बहुत ही कॉरपोरेट हाउसेस हैं, MSME है, स्मॉल स्केल फाइनेंस है, स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा देखिएगा बैंकों से लिया है। और ये बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है जो बैंकों के द्वारा किसको दिया गया है, आपके देखिएगा लार्ज बोरोवर्स को दिया गया है। यानी कि इसमें देखिएगा टॉप 100 का नाम भी दिया गया, मतलब टॉप 100 बोरोवर्स की लिस्ट भी आई है जो 70% देखिएगा स्टूट करते हैं ओवरऑल बैंक क्रेडिट का। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बिगर पार्ट होता है कि 100 कॉरपोरेट हाउसेस को इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है। तो आप डिफरेंस समझिए कि जब देखिएगा प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, यानी कि पैसा प्रोवाइड करते हैं और फिर उससे कमाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर पे फोकस करते हैं, तो वो देखिएगा आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर 100 हों तो उसमें से 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी देखिएगा थोड़े छोटे छोटे डिफॉल्ट कर दें तो वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, क्योंकि वो अमाउंट बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास 100 रिटेलर प्रॉब्लम कर दें तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि एक कॉरपोरेट हाउस कर दे। तो आपको भी पता है कि कॉरपोरेट हाउसेस को जो भी लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं वो एग्रेसिव लोन माने जाते हैं, यानी कि वो पैसा बहुत तेजी से भी बना के देते हैं, लेकिन जब वो NPA में जाता है तो बहुत बिगर अमाउंट जाता है, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इसी को कहते हैं FSR, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है, आप रिस्क तो ले रहे हो लेकिन आप दुनिया का सब कुछ दांव पे लगा के रिस्क ले रहे हो, तो आप डूब भी सकते हो और आप देखिएगा पार भी आ जा सकते हो, 50-50% चांसेस हैं। तो जो 50-50% वाला रिस्क होता है इन बैंकों से देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब इनका बुरा समय आता है तो उसको ये सही से टैकल नहीं कर पाते और फिर प्रॉब्लम आती है वैल्यूएशन में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब इतने बड़े बड़े लोन दिए गए हैं तो आपको ऐसे पर्टिकुलर बैंकों से दूर रहना है जिन्होंने पैसा बना के आपको लॉन्ग टर्म में भी नहीं दिया, शॉर्ट टर्म में भी नहीं दिया, और इवन उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की रिकवरी होगी, बहुत सारे लोगों की सस्पेंस रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। तो उस सिनारियों में आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत ना हो, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर RBI की रिपोर्ट पे आपको कीप इट कॉन्टिन्यू आय रखनी है। तो आप समझ सकते हैं, बाकी आपको ये पता होगा कि जल्दी अभी हाल ही फिलहाल में देखिएगा बनाया गया था NARCL बनाया गया था, यानी कि बैड बैंक्स के लोन की रिकवरी के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया गया था। वहाँ पे भी रिकवरी का यही माध्यम था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या फिर बैंक्स हैं उनकी रिकवरी कैसे कराई जाए। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज़ है कि जब कॉरपोरेट हाउसेस से पैसा नहीं निकलता तो उसकी रिकवरी इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द बैंक्स। तो आप समझ सकते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। तो आप कौन से बैंकों से पहले आपको दूर रहना है, तो पहला तो मैं RBL बैंक ले रहा हूँ, तो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टिकर टेप पे सारी स्टडी करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी क्विक एंड फास्ट आप स्टडी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं आप। तो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करिए टिकर टेप का लिंक। आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है ये आपको बस याद रखना है जब भी आप कोई भी बैंक सिलेक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो RBL बैंक में क्या चीज़ें गड़बड़ है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले इनका PE रेशियो, अगर आप देखेंगे सेक्टर पॉजिटिव में है, इनका PE रेशियो निगेटिव है। तो ऑलरेडी आप समझ लोगे कि देखिएगा जब हेल्दी ग्रोथ कर रहा है सेक्टर, यानी कि इस समय जो सबसे सही सेक्टर है
वो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि उस पर कोई भी देखेगा उसके लिए कुछ चीज़ें खराब नहीं हो रही है, रेट हाइक होना यानी कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उनकी EMIs बढ़ जाएंगी, सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या है फिर भी ये सेक्टर PE रेशियो में माइनस में है, तो ये चीज़ एक गड़बड़ हो गई। दूसरी चेकआउट आपको करनी है कि यहाँ पे फोरकास्ट रेटिंग दी रहती है, यानी कि टिकर टे वेबसाइट पे आपको फोरकास्ट रेटिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे भी एनालिसिस देखिएगा 50% से भी कम एनालिसिस यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए साथ आपको जाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे सारे बैंकों की यानी कि जो अच्छे बैंक हैं उनकी जो रेवेन्यू है वो इन सालों में काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और सभी बैंकों ने बहुत अच्छा क्रेडिट क्रिएशन कराया है, तो वो हेल्दी पोजीशन में, उनके रेवेन्यू अप हुए हैं, तो यहाँ पे आपको देखिएगा रेवेन्यू भी डाउन है और लॉस देखने को मिल रहा है। आप समझिएगा बात को, लॉस देखने को मिल रहा है 2021-22 में, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा बिगर फैक्टर होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, इसका इम्पैक्ट भी सीधा देखने को मिल रहा है इनकी मार्केट वैल्यू पे। आगे अगर आप बात करेंगे तो आप ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिएगा 50% रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि जो सबसे बड़ा मेजर रिस्क है कि आप ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड बैठा नहीं हुआ है, FI बैठे नहीं हुए, लेकिन आपको पता है आप मेजोरिटी में बैठे हुए हो जो कि माइनॉरिटी में, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर माइनॉरिटी में होना चाहिए किसी भी बैंक्स में, अगर रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे मेजोरिटी में आ रहा है तो इसका मतलब वो बैंक डाउटफुल होता जा रहा है, वो उस स्टॉक में डाउट्स शुरू हो रहे हैं। फिर या ये स्टॉक अगर आपने देखिएगा 1 साल के लिए लिया होता, ठीक है सॉरी पहले 5 साल के लिए लिया होता, तो 5 साल से जिसने भी होल्ड करा है उसको भी देखिएगा निराशा मिली है, आप देख सकते हैं निराशा मिली है, 700 रुपये का स्टॉक था, कोविड के बाद सभी स्टॉक अपने प्री कोविड लेवल से डबल हो गए, यानी कि प्री कोविड लेवल पे, यानी कि कोविड के बाद जो भी स्टॉक जैसे 300 रुपये का था तो वो 600 का हुआ है। अगर आप देखेंगे जितने भी टॉप स्टॉक हैं टॉप बैंक्स हैं वो प्री कोविड से पहले के लेवल से डबल हो गए, यानी कि जो भी लेवल था उनका उससे डबल हो गए, लेकिन ये इकलौता बैंक था जो 300 का लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाया था, अपने प्री कोविड लेवल को भी टच नहीं कर पाया था, तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल में भी अगर आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहा तो आपको रिटर्न बना के नहीं देगा लॉन्ग टर्म में, और 1 साल में भी रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको टिकर टेप पे चेक करनी है, विद इन 2 मिनट्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया पहला बैंक। सेकेंड बैंक अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखिएगा पैसा कम है, छोटा सा बैंक है सर, स्टडी कर लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, देखते हैं पैसा बना के देगा नहीं देगा, तो देखिएगा फोरकास्ट रेटिंग क्या है 14% की। आगे अगर देखेंगे सबके रेवेन्यू अप हो रहे हैं, इनके रेवेन्यू क्या हो रहे हैं डाउन हो रहे हैं, आप देखोगे सबके रेवेन्यू अप हो रहे हैं इनके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर का क्या है 76%, पैसा आप ही का लगा है, सारा पैसा आपको लगा, इस बैंक को बचाएगा कौन, जब आप ही का पैसा लगाया तो आप ही बैठे रहोगे, आप समझिएगा बात को, आप ही बैठे रहोगे। और स्टॉक का नाम क्या है साउथ इंडियन बैंक, छोटा बैंक है, छोटा स्टॉक है, शेयर प्राइस छोटा है, तो लोग सोचते हैं पैसा डाल दो कभी ना कभी तो बना के देगा, तो मैं आपको कभी ना कभी वाला सिनेरियो बताता हूँ। 41% डाउन है, जिसने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो 41% डाउन है, और जिसने 5 साल पहले देखिएगा करा था 5 साल पहले 72% डाउन है, कितना 72%, तो आप समझ सकते हैं ना 5 साल में पैसा बनना है ना 1 साल में पैसा बनना है, तो इस बैंक को भी आपको रिजेक्ट कर देना है। फिर आगे बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की, तो देखिएगा 1 साल में भी देखिएगा -17% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ये भी देखिएगा थोड़ा सा डगमगाया हुआ बैंक है, और अगर आप देखेंगे 5 साल में भी तो 5 साल में भी एज सच आपको जो बैंक अदर बैंक देखिएगा रिटर्न प्रोवाइड कर देते आपका पैसा एटलीस्ट डबल तो कर ही देते, टॉप बैंकों ने पर ईयर का भी अगर आप माने तो 20% के हिसाब से रेशियो में आपको रिटर्न बना के दिए, तो तब भी ये अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं तो देखिएगा बंधन बैंक, इससे दूरी इसलिए बना लीजिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 5-6 स्टेट्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल और असम में बाढ़ आई हुई है और वेस्ट बंगाल और असम में भी हालात ठीक नहीं है, उसी पर्टिकुलर देखिएगा रीजन में ये बैंक क्या करता है डील करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा ये बैंक अच्छा है, बैलेंस शीट ठीक ठाक है, लेकिन बट स्टिल रिटर्न के मामले में अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 साल से लोग इसमें स्टक हैं तब भी वो माइनस में ही पैसा है और 400 रुपये का भाव नहीं देखने को मिला है। और फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 5 साल से बैठे होते, 5 साल पहले यानी जब ये बैंक खुला था यानी कि मर्ज होकर जब ये बना था, तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आप -44% के रिटर्न पे होते, तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों की देखिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही बड़ा मेजर टास्क है।
और मैं आपको ऐसे ही बैंक यानी बहुत सारे बैंकों को भी मैंने कवर नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा देखिएगा फोकस रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, ताकि आप लॉन्गर टर्म में पैसा बनाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।